राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक लंबा सफर पूरा करके इस समय जम्मू कश्मीर में है। इस बीच जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के बनिहाल में रोक दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा में सुरक्षा नहीं मिल रही है, इस वजह से यात्रा को रोकना पड़ा। सुरक्षा में चूक पर भारत जोड़ो यात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी की सुरक्षा में कमी के आदेश कौन दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद उनकी सुरक्षा में सेंध लगाना संयोग नहीं है। राहुल गांधी को मिली सुरक्षा फेल साबित हुई, पुलिस को उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाना पड़ा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये वीडियो देखिए, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक यात्रा के 133 दिन में नहीं हुई। रस्से कांग्रेस के कार्यकर्ता खींच रहे हैं, कहां है जम्मू कश्मीर की पुलिस। जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन है, इस चूक की जिम्मेदारी किसकी है। आखिर राहुल गांधी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। कांग्रेस पार्टी के शेयर किए हुए वीडियो में यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता खुद रस्सी थामे यात्रा को सुरक्षा देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा में चूक के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी, आशा करता हूं कि कल और परसों यात्रा के लिए उचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा आज सुबह 9 बजे शुरू हुई थी। यात्रा रामबन से अनंतनाग जानी थी, लेकिन यात्रा को बनिहाल में ही रोक दिया गया। यहां राहुल के सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस आए थे। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को गाड़ी में बैठाकर अनंतनाग ले गई। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास वर्तमान में जेड प्लस सिक्योरिटी है, जिसका अर्थ है कि 8 से 9 कमांडो 24 घंटे उनकी रखवाली कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश की थी, उस दौरान जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में शनिवार की सुबह 2 ब्लास्ट हुए थे। इसमें 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जब यात्रा पंजाब में थी तो एक शख्स राहुल का सुरक्षा घेरा तोड़ जबरन उनके गले लग गया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में राहुल की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक से कांग्रेस पार्टी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। नव भारत टाइम्स ऑनलाइन की।